अस्सलामुअलैकुम, कैफ हाल सदीक? अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लू तमाम। ये अरब का बहुत ही मशहूर रोटी है, लौवा इसे कहता है। लौवा ये जो अपने बिहार का जो चपाती है, उस चपाती के लगभग 15 रोटी के बराबर है। एक आदमी तो इसको नहीं खा पाते हैं, काफ़ी बड़ा है, दो आदमी के लिए इनफ होता है। और इसके साथ में ये गुलाबा है। गुलाबा ये एक्चुअली में जो है, जो अपने यहाँ का राजमा होता है, राजमा का दाल होता है जो चूरा हुआ रहता है, जैतून इसमें डाला हुआ रहता है, जैतून का तेल, और बाकी अंदर क्या क्या इसमें मसाला है ये तो खाने के बाद ही समझ में आता है, तो उतना डिटेल नहीं पता है। साथ में सलाद और रायता भी मिलेगा। ये पूरे अरब का ये बहुत मशहूर है डिश। अंदाज में आप बैठे, खाना नीचे लगा हुआ साथ में, और एसी का मजा लेते हुए खाना खाएं। बहुत इसे रॉयल फीलिंग है इसमें। और ये चीज़ मुझे अरब में ही दिखा है, अपने इंडिया में तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा ये चीज़। खाने का टेस्ट करते हैं। वैसे मैं बहुत बार ये आइटम खा चुका हूँ, ये स्टार्टर है। ये दलिया का बना हुआ होता और अच्छा टेस्टी रहता है। आइए बहुत अच्छे खाना खाए। पंद्रह रोटी के बराबर एक है। एक आदमी मेरे जैसा भी माशाल्लाह जो हेल्दी इतने हम भी एक पूरा नहीं खा पाते हैं। ये दो आदमी के लिए एक रोटी काफ़ी होता है। चलिए बहुत अच्छे भाई, इसमें लगे काफ़ी टेस्टी होता है। ये नमकीन है, हर पेट खा सकते हैं आप, यानी कि इसमें ज़्यादा ऑयली या फिर चर्बी का तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं है। ये वेज में नॉन वेज में नहीं है। तो ये जो है आप भर पेट गुलाबा इसी तरह के छोटे पॉट में और बिल्कुल गर्म जो है, डायरेक्ट जो है गैस से उठा गैस से ला के दिया जाता है। ये अंदाज है यहाँ का। ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये पत्थर का, स्टोन का है, और इतना गर्म इसमें आइटम आया हुआ खाने के लिए। आप उमरे के लिए अगर आए यहाँ और मक्का शरीफ से मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ अगर आप छोटी कार से या बस से जा रहे हो, तो रास्ते में आपको गाड़ी होटल पे खाना खाने के लिए जब रुकती है या फ्रेश होने के लिए, तो आपको इसी तरह का होटल यहाँ दिखेगा। यहाँ पे चेयर टेबल पे खाने का ऑप्शन थोड़ा कम होता है, ज़्यादा लोग फर्श पे ही बैठ के। बस यही अंदाज है, शाही अंदाज। एक एक ग्रुप करता है, जिधर जगह मिलता है बैठ जाते हैं और लोग अपना खाते हैं। सामने गालिबन यमनी लोग हैं, वो खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खा चुके हैं, दो आदमी में भी इतना आइटम बच चुका है। अब हम दोनों के बस की बात नहीं, किससे ज़्यादा